इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के रेवती गांव में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद संपत्ति का बताया जा रहा है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें चार लोग घायल हो गए, तो वहीं घायल न्याय की आस में एक कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के रेवती गांव का है। यहां के प्रेम मालवी का संपत्ति को लेकर अपने ही परिजन से विवाद चल रहा है। पहले भी इन लोगों का विवाद हुआ था, हालांकि मामला शांत हो गया था, लेकिन देर शाम शुभम राज लोकेश रमेश सिसोदिया ने प्रेम मालवीय पर हमला कर दिया। बीच बचाव में आए ओम प्रकाश ललित व एक महिला किरण गंभीर रूप से घायल हो गई, तो वहीं आरोपियों ने इन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें एक युवक के दोनों हाथ टूट गए। फिलहाल पीड़ित लोग न्याय की आस में कमिश्नर से मिलने पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूजा कर रहे थे तो वहाँ पर पीछे से आके उन्होंने हमला कर दिया। वहाँ पर मकान पे कब्जा कर रखा हमारा मकान भी है, जीजा के भाई है वो, उनके छोरे बताओ। रमेश सिसोदिया, शुभम लोकेश, नाम बताओ। रमेश सिसोदिया, लोकेश राज, शुभम। क्यों मारपीट क्यों हुई? वो मकान के पीछे, पीछे से पहले से मतलब उन रंजिश खा के बैठे हुए थे मारने के लिए। पहले से दस पहले दो एक रिपोर्ट पहले भी हो चुकी है। तो अभी क्या चाह रहे हैं? अभी वो मतलब हमारा मकान है, वहाँ पर उस पर जाने ही नहीं देते। कब्जा करना चाहते हैं? कब्जा कर रखा उन्होंने। रिपोर्ट कराई है ना? कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कार्रवाई नहीं हुई, तीन चार रिपोर्ट हो गई अभी तक। पहचान वाले पुलिस वाले तो उनके पैसे खा लेते। आपका क्या नाम है? प्रेम। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।